देखिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ, इस सेशन के अंदर हम आपको एक नई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब तक आपने दो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करी, कौन कौन सी? स्टॉक जनरल और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताओगे महक? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक जनरल मैन्युफैक्चरिंग? आप काम कर रहे हो लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता। अंजलि करी नहीं, अंकित, रवि, उसके अलावा कुछ और बात हो मशीन के अलावा? सुनील, आपकी, आकाश, डोली, बताएं क्या ओपिनियन है आपके भी आपसे? बोले पूनम, जी सर 8 बजे कर लेते हैं, सब आ जाएंगे 8 बजे, ठीक है। बताइए आप लोग मुझे, जब क्राइटेरिया फिक्स होता है, मशीन से माल बनता है तो प्रोडक्शन यूज़ की जाती है, और अदर देन हम क्या यूज़ करते हैं? स्टॉक जनरल। जब सर काम हमारे घर में होता है लेकिन मशीन से ना होकर किसी पार्ट पार्ट में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्टॉक जनरल। लेकिन मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, आपको इशू कर दिया, आप बना के ले आए, काम ख़त्म। मेरा काम है आपको मटेरियल देना, आप बना के ले आ रहे हो, बात ख़त्म। आप तुम उसमें स्टिचिंग कराओ, प्रेसिंग कराओ, पैकिंग कराओ, कुछ भी कराओ, वो आपका काम है, आपका काम है। जस्ट लाइक सिंपल, आपको नोट्स बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, मैंने पेपर ला के दे दिए और जो लिखना है वो ला के आपको दे दिया, आपने क्या कर दिया? खाली लिख के दे दिया मुझे, मुझे नहीं पता आपने अपने भाई से लिखवाया, बहन से लिखवाया, ये आपके ऊपर हेडक है। तो मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है, रॉ मटेरियल लो और किसी को इशू कर दो, बनाकर अपने आप ले आएगा, से बोलते हैं मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सी कंपनियां खाली रॉ मटेरियल इशू करती है, बाकी वो किसी और को देती है, वो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जॉब वर्क करती भी हैं, वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले आज जो सीखेंगे मटेरियल इशू टू पार्टी। कोई पूछे तो बोलना सर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सामने वाले को इशू करते हैं, वो अपने आप बना के लाता है, चाहे वो कटिंग कराए, स्ट्रेचिंग कराए, प्रेसिंग कराए, पैकिंग कराए, कुछ भी कराए, ये सब उसका काम है। हमारा काम क्या? खाली रॉ मटेरियल को परचेज करना। तो हमें एक कंपनी करनी है, वैसे तो हम दो कंपनी करेंगे, इसके अंदर एक होलानी है और दूसरी सीबी पैकेजिंग है। क्या है हमारी? एक होलानी और दूसरी सीबी पैकेजिंग। यहाँ से मैं एक कंपनी ऑन कर लें जिसका नाम है आपका होलानी। इसमें आपको सबसे पहले एंट्री करनी है, तो मैंने यहाँ से कंपनी में इसका नाम था होलानी फैब्रिक। सबसे पहले परचेज, क्या मुझे परचेज करना आपको सिखाना है सभी को? तो मैंने ऑलरेडी इस कंपनी में परचेज करके रखी, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम जब भी आते हैं तो हमें सारी परचेज करनी। पहले किससे परचेज करिए? बैक ड्राइव से करिए, उसके बाद किससे करिए? बंसल से, तो बंसल आ गया। फिर किससे? गीतिका से, तो गीतिका आ गया, गीतिका आ गया। गीतिका के बाद हमने किससे परचेज करिए? हिंद से, तो यहाँ हिंद आ गया, हिंद हिंद हरिओम आ गया, और हरिओम के बाद लास्ट किससे परचेज करिए हमने? हिंद से। तो हमने 5 परचेज करी, 5ों की एंट्री हो गई। अगर शिवानी आपको डाउट है तो परचेज की एंट्री करके दिखाऊं या कर लेते हो परचेज आप? परचेज में तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कहाँ जाना है? मटेरियल इशू टू पार्टी पर आना है, लेकिन इस पर आने से पहले आपको पता हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, कन्फिग्रेशन, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, और सबसे पहले किस पर क्लिक करते हैं? मेंटेन इन एमसी और अकाउंटिंग इन प्योर। किस पर क्लिक करेंगे? तीनों को यस कर देंगे, बट इतना सफिशिएंट नहीं है आज के लिए, इतना सफिशिएंट नहीं है। हम एक टॉपिक और अनेबल करेंगे जिसका नाम है अनेबल जॉब वर्क। अगर आप मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक पर जरूर क्लिक करेंगे। किस पर जरूर क्लिक करेंगे? जॉब वर्क एंट्री। किस पर क्लिक करेंगे आप? जॉब वर्क एंट्रीज कॉन्फ़िगरेशन। ये कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा।
यस और यस पे क्लिक कर दें। समझ आ गया आपको, ये हो गया। इसके बाद जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा तो ये सारा इस तरीके का पूरा ब्लैंक होता है। क्या होता है? ब्लैंक होता है, पूरा ब्लैंक। टॉप पर पढ़ें क्या लिखा है, अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। क्या लिखा है? अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। इसका मतलब यह है कि अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और सामने वाले किसी को इश्यू करते हो, क्या करके लिया है, माल बना कर लिया है, तो आप इसको इश्यू करोगे, अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। मैं होलानी वाला हूं, मैं एक कंपनी हूं जिसका नाम क्या है, होलानी फैब्रिक। मैं मटेरियल खरीदता हूं, आप लोग जॉब वर्कर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मुझे आपको माल इश्यू करना है, तो मैं किस पर क्लिक करूंगा, अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। मेरे घर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं कर रहा, किसी बाहरी लोगों से करवा रहा हूं, आप लोगों से करवा रहा हूं, तो किस पर क्लिक करूंगा, अनेबल जॉब वर्क आउटसाइड पार्टीज। इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद इस पर भी क्लिक करेंगे, एडजस्ट जॉब वर्क एंट्री इन परचेज वाउचर। कहां से एडजस्ट कर सकते हैं, हम परचेज वाउचर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट नीचे आओ, यहां क्या लिखा है, शो पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर। हमें उस समय तक बताता रहे कि इसकी क्वांटिटी कितनी पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है। और लास्ट है मेंटेन जॉब आईडी। लास्ट क्या है, मेंटेन जॉब आईडी। कॉपी पर लिख लो, ये चार टॉपिक अनेबल करने हैं सर, बाकी नहीं करने, क्या करने, बट धीरे धीरे कराएंगे, एक साथ नहीं करा रहे आपको। लिख लो कॉपी पर आप लोग। पहले ये भी लिख लेना आप लोग, मेंटेन एमसी, अकाउंटिंग इंप्लॉयमेंटी वाउचर और जॉब वर्क एंट्री। लिख लिया आप लोगों ने, क्लियर हो गया इतना। क्या कर दिया मैंने, सेफ। क्या कर दिया मैंने, सेफ। और उसके बाद मैं कहाँ पर आया, मैं आया मटेरियल इशू होलानी फैब्रिक। अगर मैं किसी को माल इशू करूँगा तो मेरा नाम ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, होलानी। किसको कर रहे हैं हम लोग, कमल को। तो हम कहाँ जाएंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी पर आएंगे। कहाँ आएंगे हम लोग, मटेरियल इशू टू पार्टी पर आएंगे। सबसे पहले तारीख डालेंगे, कितनी, मान लो 15/4। क्या तारीख है, 15/4। और पता है यहाँ लिखा हुआ इशू फॉर जॉब वर्क, हम माल इशू करें किसके लिए, एंटर। पार्टी का नाम क्या है, कमल ट्रेडर, तो क्या डाल दो, कमल ट्रेडर। वैसे ना बनाओ तो बना लेना, ग्रुप में क्या रखना, सिंडिकेट। जान दो सिंडिकेटर्स क्यों रखते हैं, क्योंकि कोई से मैं माल खरीदूँ या किसी से काम कराऊँ तो उसके ग्रुप में क्या डालता हूँ मैं, सिंडिकेट। सेव कर दो। माल कहाँ से दोगे, मेन स्टोर। अब जॉब आईडी क्या है, आईडी मतलब जानते क्या होती है, एक प्रूफ होता है। क्या होता है, प्रूफ होता क्या है, आज ही मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे माल चाहिए, आप माल दे दो मैं बना के लाता हूँ। मुझसे रोज डेली बेसिस पर माल लेके जाता है, एक आज माल लेके गया, कल माल लेके जा रहा है, ऐसे डेली बेस पर ये रोज मुझसे माल लेके जाता है। प्रॉब्लम इज डेट कि मुझे पता नहीं चलता ये फ्यूचर में कौन सा माल बना कर लाएगा, तो हम इसे क्या दे देंगे, एक जॉब आईडी दे देंगे। क्या दे देंगे, आईडी, कि आईडी 01 आज इशू करा हमने इसको, आईडी 02 आज इशू करा, आईडी 03 आज इशू करा, एक आईडी बना ली, एक नॉलेज के लिए बना लिया। जब ये कल माल लेके आएगा तो मुझे बताएगा कि सर मैं इस वाली आईडी का माल लेके आया हूँ, या इस वाली आईडी का माल लेके आया हूँ सर, या इस वाली आईडी का माल लेके आया हूँ। समझ आ रही है, वरना आपको पता ही चलेगा कौन सी आईडी का माल ला रहा है। तो हम एक यूनिक आईडी बना रहे हैं, और जब आईडी बनाना है तो शॉर्ट फॉर्म बनाना है। बताओ कमल, कमल ट्रेडर की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, क्या लिख दो, केटी ऑब्लिक
क्या नंबर है ऊपर? वन। या आप ऐसा करो केडी लिख दो और 15/4/2019 कर दो। पता 15/4 क्यों लिया? क्योंकि इसकी वाउचर डेट क्या है? 15/4। तो मैंने क्या पिक करा? 15/4 और इंटर मार्क दिया। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो केडी ऑब्लिक 1, क्योंकि वाउचर नंबर कितना है? 1। लेकिन मेरे लिए तो दो चीज़ें सही रखती हैं, केडी और उसके बाद डेट डाल दो, क्योंकि कभी भी ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हो सकता है डुप्लीकेट हो जाए तो आप इसे 01 कर दो, ऐसी डेट बना लो। ये आपके ऊपर है आईडी आपको कैसे बनानी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आईडी अगर कोई बताए तो वेल एंड गुड, नहीं बताए तो अपने आप बना लो। उसके बाद अब डिलीवरी डेट, डिलीवरी जानते क्या होती है कि मान लो कब बना कर देगा। उसने कहा सर मैं 25 को दे दूंगा, तो मैंने 25 डाल दी और क्या कर दिया? वो खुद बताएगा हमें, हमें नहीं बताओगे। उसके बाद आ जाओ, हमने क्या क्या माल इसे इश्यू करा? क्लॉथ कितना, क्लॉथ शर्ट कितना? 2000। फिर हमने क्या इशू करा? अस्तर कितना? 2000। फिर क्या इशू करा हमने? बटन कितना? 50,000। फिर क्या इशू करा हमने? बटन कितना? 10,000। फिर क्या इशू करा हमने? चैन कितना? 1,000। और फिर क्या इशू करा हमने? पॉलिथीन कितने? 10,000। और फिर क्या इशू करा हमने? रिपीट कितनी? 20,000। अभी हम इसके अंदर कोई भी अस्तर अस्तर वाला कोई टॉपिक लेकर नहीं चल रहे, सिंपल नॉर्मल मान रहे, ठीक है। 20,000 डाल दें और इसको सेव कर दें। क्लियर? टोटल हमने कितने का माल इशू करा? 216,120 रुपये का। लेकिन पता है इसके अंदर रेट अलग आ रहे हैं, ये 9 रुपये 3 पैसे आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? कोई बताएगा? मैक बताओ क्यों 9 रुपये 3 पैसे आ रहा है? हाँ शिवानी, अंजलि, पूनम, रेनु, शलानी, विवेक, तरुण, सेल प्राइस में रेट डाला होगा। सुनील, अरे सर आपने परचेज करी थी ना, परचेज करते वक्त आपने बिल बाय बिल के अंदर नीचे एक टॉपिक इफेक्ट करा था, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक ट्रांसफर। इसका क्या मतलब था? वैल्यू को कम कर देना और वैल्यू को बढ़ा देना। तो हमने तो वही करा है, और क्या करा है? तो हमने यहाँ से वैल्यू को कम और ज़्यादा करा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब आप स्टॉक जनरल की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, क्या वो हमेशा 10 रुपये पिक करता था, कम पिक करता था या ज़्यादा पिक करता था? तो वही चीज़ आपको बतानी, क्या बात है, क्या बात है? ये आपको नहीं पता कि उस टॉपिक के कारण इस वैल्यू को फर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जो नोट्स बनाए वो उसी वैल्यू को बिहाफ से बनाए। आप लोग इस आंसर को लिख लो, इतनी वैल्यू आपकी आनी चाहिए 216,120 रुपये। उसके बाद आपकी बिल्टी चार्ज, कोई बिल्टी चार्ज है तो वो लगा दो। कितना आपका बिल्टी चार्ज है? 500, तो 500 लगाओ। फिर क्या लगाना है आपका? लेस डिस्काउंट कितना? 10%। और आपका आंसर आना चाहिए 1,94,558 रुपये। उसे क्या कर दो? सेव कर, ठीक है, सेव कर दूँ मैं। ये हमने माल इशू कर दिया। इसके बाद हमने माल एक और इशू करा, कब? 2 तारीख को। किसको करा हमने? वीनस को। तो तारीख 14/4 ले लो, 14/4 को इशू करा, इशू फॉर जोवर। किसको इशू कर रहे हैं हम लोग? वीनस ट्रेडर को इशू कर रहे हैं। ग्रुप में क्या रखोगे आप लोग? सन्नीगेट। क्या रखोगे इसे? मेंटेन मेल बाय बिल, नो करोगे और सेव। फिर आईडी क्या बनाओगे? शॉर्ट फॉर्म बनाओ वीटी, डेट डाल दो आज जो है, और वाउचर नंबर 2। डिलीवरी डेट यहाँ गिवन है नहीं गिवन, मान लो 25/4 कर दो इसको भी। क्या नाम है? क्लॉथ शर्ट कितनी पीस? 1,000। फिर क्या है हमारा? अस्तर कितना? 1,000। फिर बटन कितना? गोल्ड कितना? 50,000। फिर क्या है आपका? चैन कितने? 10,000। पॉलोथीन 10,000। फिर क्या है हमारा? रिपीट कितना? 10,000, ठीक है। बाकी आप वैल्यू मिला लेना, मैं इसको ऐसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 3 आप देख लो, 3 किसको इशू करा है? विनायक को। कब इशू करा? 14/4 को, तो सेम डाल दो 14/4। फिर एक पार्टी बना लो,
आईडी बनाओ VI 14-4 और 03। डिलीवरी डेट हम ठीक कर लेते हैं, कितना 26-4 कर लेते हैं। क्या आप देना है इसको 100 मीटर पॉलिस्टर फैब्रिक डाल दो, कितना है 1000 दे दो। फिर क्या देना है हमें इसको अस्तर, कितना 1000। फिर हमें क्या देना है इसको बटन, कितना देना है बटन 2000। फिर क्या देना है हमें चैन, कितनी देनी है 5000। फिर क्या देना है हमें इसको पॉलीथीन, कितनी 10000। और इसे क्या कर दो सेव कर दो। फिर ऐसे ही हमने किसको माल देना है, हंसारी ब्रदर्स को। आप कर लोगे या करूँ मैं, कर लेंगे। इसके बाद विनायक माल बना कर लाया, कब बना के लाया 18-4 को। और पता है विनायक ने अपना नाम ऊपर रखा, क्यों रखा शिवानी ऊपर अपना नाम, क्यों सेल कर रहा है वो आशा, क्यों लिखा उसने अपना नाम ऊपर, माल बना के ला रहा तो फिर अपना नाम ऊपर क्यों लिख रहा, हमारा नाम ऊपर लिखना चाहिए। वो माल बना के लाए या सेल करे, दोनों सिचुएशन में क्या करेगा अपना नाम ऊपर। चलो आशा आपकी बात मान ली, आपकी बात चलो ठीक है, यहाँ पर टॉपिक नहीं है, इतना समझ आ गया। अब हम कहाँ पर आएंगे, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, तारीख कितनी है आपकी 18-4 लिख देंगे। वाउचर नंबर कितना है 101। पार्टी का नाम यहाँ क्या लिखोगे, रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क। अंजलि रिसीव आफ्टर जॉब वर्क का मतलब क्या होता है कि वो माल बनाकर लाया है, इसलिए हम क्या डाल लें रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क। हाँ हम रिसीव कर रहे हैं इस समय। अब पार्टी बनाना नहीं, क्या नाम लिख दो विनायक। फिर यहाँ क्या लिखो मेन स्टोर। क्या आइटम बना के लाया है, शर्ट नैरो हाफ स्लीव। क्या बना के लाया है, शर्ट नैरो हाफ स्लीव। इस मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम है कन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग। बहुत से लोग इसे बोलते हैं कन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक चीज लाओ दूसरी चीज में वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर आइटम का नाम बनाओ, क्या नाम था, शर्ट नैरो हाफ स्लीव। ग्रुप में क्या डालोगे आप, फिनिश गुड्स और सेव करो। कितनी क्वांटिटी है 180। तुमने जैसे ही 180 डाला, देखो तुम्हारी आईडी आ गई टॉप पर, इंटर जॉब आईडी VI। ये माल हमने इशू करा था, हमने ये माल इशू करा था। उसने क्या बताया, उसने कहा सर एक पीस को बनाने में 1 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। एक पीस में कितना लग रहा है, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 180 में कितना लगेगा, कितना लगेगा शिवानी आकाश, कितना लगेगा निकालो। यहाँ क्या करो F10, अगर ये विंडो नहीं जा रही तो यहाँ से कैलकुलेटर ऑन कर लो। क्या करो 180 गुणा एक पीस में कितना 40, तो कितना लगेगा 252। तो कितना डाल दो यहाँ पर आप 252, तो 252 कंज्यूम हुआ, कितना हुआ 252 कंज्यूम हुआ, बाकी उसके पास बचा हुआ है। अस्तर आ जाओ, उसने क्या बोला अस्तर के लिए, कोई बताएगा अस्तर के लिए उसने क्या बोला, एक पीस में कितना लग रहा है 20 सेंटीमीटर, तो कितना लगेगा 180 गुणा 20 सेंटीमीटर कितना लगेगा 36, कितना लगेगा, तो यहाँ कितना लिख दो 36। बटन का क्या बोला उसने, एक पीस में 8 बटन लग रहे हैं, तो 180 में कितना लगेगा 1440। क्या बोला चैन नहीं लग रही, चैन उसने बोला नहीं लगी, तो उसे क्या कर दो F9 करके हटा दो। उसके उसने क्या बोला पॉलीथीन बोला, एक पीस में कितनी लग रही है 9, तो आप यहाँ से कैलकुलेटर कर लो कितना करो 9 × 180 कितना आ गया 1620, तो यहाँ कितना डाल दो 1620। सर हम इस रिपीट का क्या करेंगे, रिपीट का अभी कुछ मत करो, क्या रिपीट का अभी कुछ मत करो, क्यों, क्योंकि हमने रिपीट उसे इशू नहीं करी, तो रिपीट हम एडजस्ट भी नहीं करेंगे। तो अब इसे क्या कर दो डायरेक्टली सेव करो। जैसे ही तुम इसे सेव करोगे ना, तो यहाँ पर कॉस्टिंग आ गई, कितनी कॉस्टिंग आ गई 20 रुपये 88 पैसे। आप में से कोई बता सकता है ये 20 रुपये 88 पैसे कॉस्टिंग निकल के कैसे आई, सिंपल तरीका टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। कैलकुलेटर निकालो 3758.04 डिवाइड बाय 180, तो कितना आ गया 20 रुपये 88 पैसे। क्लियर, एंटर मारो, ये हो गया। इसका उसने क्या बोला सर मैं एक पीस के कितने रुपए लूंगा
तो आप यहाँ पर आके क्या बनाओगे, जॉब वर्क, क्या लिख दो, मटेरियल इशू, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देना, शॉर्ट फॉर्म डाल दो मटेरियल, ज़्यादा बड़ा करोगे मटेरियल, क्या कर दो से ऐड। अब किस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, पता है इस पर क्यों क्लिक कर रहे हैं शिवानी, क्योंकि इस पर क्लिक करने का मतलब हम कहाँ खड़े हैं, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी पर, इसके बाद कहाँ जाओ, मटेरियल रिसीव पर आओ, इस टॉपिक को यस करो, और यहाँ क्या लिखोगे, स्पेसिफाई अकाउंट हेयर, और यहाँ F3 करके बनाना जॉब। पता है आप लोग ये भी नहीं पूछते कि सर ये स्पेसिफाई अकाउंट इन वाउचर क्या होता है, मतलब आप ना क्या कर रहे हो, आपकी क्लास के आपके बैच जो चीज़ करा रहा हूँ वो, लेकिन जो नए नए पॉइंट्स हैं वो नहीं पूछ रहे कि सर ये क्या होता है, अब तक तुमने इतनी बार मैन्युफैक्चरिंग करी ये वाला पॉइंट कभी नहीं लिया, ना पूछा आपने, आपके बाद वाला बैच है वो तो यही पूछ रहे थे सर इस पर ही क्यों टिक करा, जबकि बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए टिक कर रहा हूँ कि आप इस पर क्यों नहीं टिक कर सकते, तो ये आपको पूछने पड़ेंगे, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं तो क्या रीज़न है इसका, आप पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए कई बार आप लोग ट्राई करें पूछने की, किस पर क्लिक करें, पर मैन क्वांटिटी, और एक पीस के कितने रुपए ले रहा है, 92 रुपए 50 पैसे, क्लियर। अब इसकी कॉस्टिंग क्या निकलेगी कोई बताएगा, कॉस्टिंग निकालने का फार्मूला होता है, या तो टोटल अमाउंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो किस से, क्वांटिटी से, या फिर दोनों खर्चों को जोड़ दो, तो भी क्या निकल जाएगी आपकी कॉस्टिंग, 20 रुपये 88 पैसे प्लस 92 रुपये 50, कितना आ गया, 113 रुपये 38 पैसे, लिख दो 113 रुपये 38 पैसे, ठीक है, और क्या कर दो इसको से मैन्युफैक्चरिंग फिनिश, खत्म खत्म। अब इसकी रिपोर्ट देखने कहाँ जाऊँ, डिस्प्ले, कहाँ जाओगे, जॉब वर्क, रिपोर्ट पर आओगे, यहाँ क्या लिखोगे, आउटसाइड जॉब वर्क, क्या लिखोगे आप, आउटसाइड जॉब वर्क, यहाँ आएगा पेंडिंग जॉब वर्क आइटम, क्या आएगी, पेंडिंग जॉब वर्क आइटम, सबसे पहले पूछता आइटम वाइज या पार्टी वाइज, तुम किस पे जा सकते हो, पार्टी वाइज, क्या पार्टी थी, वन पार्टी, पार्टी का नाम क्या था, विनायक, तो विनायक, हमने सर उसको इतना माल अभी उसके पास क्या है, पेंडिंग है, क्या है अभी, पेंडिंग, क्या है अभी, पेंडिंग, पता पेंडिंग क्यों है, हमने दिया था 1000, लगाया कितना, 252, बचा कितना, 747, ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो, नहीं तो नीचे रजिस्टर होता है जॉब समरी, पार्टी वाइज वन पार्टी और क्या है, विनायक, तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा इसको मिल जाएगा, नीचे है जॉब रजिस्टर, वन पार्टी विनायक, अच्छा विनायक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, हम सही थे बट पार्टी का नाम गलत टाइप कर दिया, विनायक इंडिया प्राइवेट, तो देखो हमें यहाँ सब बता रहा है, आप वैल्यू को नो कर दें, अब यहाँ देखो कितना इशू करा, कितना एडजस्ट करा और कितना बचा है, और वैल्यू चाहिए तो किस पर अनेबल कर देना, शो वैल्यू ऑफ आइटम, तो आपको क्या बताएगा, कितना इशू, कितना एडजस्ट और कितना बचा है, ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, क्लियर।